हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइस, फाइनली इस वीक का AEW का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो पर क्या हुआ, क्योंकि गाइस सच में इस वीक के डायनामाइट शो पर बहुत सारी चीजें हुई है जो कि मुझे लगता है कि आपको जरा भी मिस नहीं करनी चाहिए। और इसलिए इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो भी थोड़ा सा लंबा हो चुका है, इसलिए इस वीक के डायनामाइट शो पर क्या हुआ और हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है, ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और गाइज, ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज, अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस वीक के AEW के डायनामाइट शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो पर क्या हुआ। तो गाइज, इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत एडम कोल, बॉयफिश और काइल ओ'रायली ने की। और डायनामाइट शो की शुरुआत में यहाँ पर अगर बात करते हो, एडम कोल कह रहे थे कि साल 2021 एडम कोल, बॉयफिश और काइल ओ'रायली इन तीनों के लिए काफी बढ़िया साल रहा है और साल 2022 भी इन तीनों के लिए काफी बढ़िया साल होने वाला है क्योंकि अभी तीनों ही एक साथ आ चुके हैं, जो बात यहाँ पर एडम कोल कर ही रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर यंग बक्स आ गई और यहाँ पर आकर बात करते हुए मैट जैक्सन ने कहा कि मैट जैक्सन ने दो दिनों के अंदर ही COVID-19 को बीट कर दिया है और मैट जैक्सन इस वीक के डायनामाइट शो पर आए हैं। लेकिन मैट जैक्सन इस बात से नाराज है कि एडम कोल यहाँ पर यंग बक्स को नहीं बुलाया, जिस पर काइल ओ'रायली ने कहा कि एडम कोल को यंग बक्स की जरूरत नहीं है, एडम कोल, काइल ओ'रायली और बॉयफिश ये तीनों ही एक दूसरे के लिए काफी है और इसलिए एडम कोल यहाँ पर यंग बक्स को नहीं बुलाया, जो बात यहाँ पर काइल ओ'रायली ने कही। पर इनके अंदर आकर बात करते हुए मैट जैक्सन ने कहा कि ये कंपनी यंग बक्स ने बिल्ड की है और इस कंपनी के अंदर जो कुछ होता है वो सब यंग बक्स के अंदर होता है और काइल ओ'रायली और बॉयफिश अपने साल 2022 के गोल्स बता रहे हैं। पर यहाँ पर यंग बक्स अपना गोल बताना चाहते हैं कि यंग बक्स साल 2022 के अंदर अपने वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स रिगेन करने वाले हैं, जो बात यहाँ पर मैट जैक्सन ने कही, जिस पर बॉयफिश और काइल ओ'रायली ने कहा कि बॉयफिश और काइल ओ'रायली इनका भी साल 2022 के लिए यही गोल है कि ये भी AEW कंपनी के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस बनना चाहते हैं और अगर इनके रास्ते के अंदर कोई आता है तो फिर काइल ओ'रायली और बॉयफिश उन्हें नहीं छोड़ने वाले, जो बात यहाँ पर काइल ओ'रायली और बॉयफिश ने कही, जिससे कि हम समझ सकते थे कि यहाँ पर यंग बक्स और काइल ओ'रायली और बॉयफिश इनके बीच में टेंशन काफी बढ़ रहे हैं। और यही देखकर एडम कोल बीच में आ गए और यहाँ पर बात करते हुए एडम कोल ने कहा कि यंग बक्स नहीं चाहते कि बॉयफिश और काइल ओ'रायली यंग बक्स के रास्ते के अंदर आए और काइल ओ'रायली और बॉयफिश नहीं चाहते कि यंग बक्स उनके रास्ते के अंदर आए, तो इसलिए एडम कोल के पास एक काफी अच्छा प्लान है कि यंग बक्स और काइल ओ'रायली और बॉयफिश ये चारों ही साथ मिलकर काम करें, जिससे कि ये दोनों एक दूसरे के रास्ते के अंदर नहीं आएंगे और इनकी फैक्शन AEW कंपनी ग्रेटेस्ट फैक्शन बन जाएगी और वो भी बेस्ट फ्रेंड से बढ़िया, जो बात यहाँ पर एडम कोल कर ही रहे थे। पर एडम कोल के बेस्ट फ्रेंड्स का नाम लेते ही यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी और बेस्ट फ्रेंड्स आ गए और यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी की तरफ देखकर बात करते हुए एडम कोल कह रहे थे कि ऑरेंज कैसिडी एडम कोल के साथ रिंग के अंदर खड़े रहना डिजर्व नहीं करते। पर इतने में ऑरेंज कैसिडी ने एडम कोल के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर यहाँ पर यंग बक्स, काइल ओ'रायली और बॉयफिश और बेस्ट फ्रेंड्स के बीच में एक ब्रॉल हुआ और इस ब्रॉल के अंदर सभी लोग रिंग के बाहर चले गए और इनके अंदर सिर्फ एडम कोल और ऑरेंज कैसिडी बचे और यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी एडम कोल के ऊपर अटैक करने ही वाले थे। लेकिन तभी एडम कोल ने ऑरेंज कैसिडी ऊपर एक लो ब्लो लगाया और यहाँ पर एडम कोल ऑरेंज कैसिडी ऊपर अटैक करने ही वाले थे, लेकिन इतने में क्रिस स्टैटलैंडर आकर ऑरेंज कैसिडी और एडम कोल के बीच में खड़ी हो गई, जो देखकर एडम कोल पीछे हट रहे थे। लेकिन इतने में यहाँ पर एडम कोल की गर्लफ्रेंड यानी कि डॉक्टर ब्रिट बेकर आ गई और यहाँ पर आकर डॉक्टर ब्रिट बेकर ने क्रिस स्टैटलैंडर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिससे क्रिस स्टैटलैंडर साइड हो गई और इसी का फायदा उठाकर एडम कोल ने ऑरेंज कैसिडी ऊपर अटैक किया, जिस अटैक के बाद ऑरेंज कैसिडी चाहते थे कि यंग बक्स ऑरेंज कैसिडी को चीज के ऊपर किस करे, लेकिन डॉक्टर ब्रिट बेकर ने यंग बक्स को रोक लिया और डॉक्टर ब्रिट बेकर ने एडम कोल को किस किया, जिससे हम समझ सकते हैं कि फाइनली AEW कंपनी के डायनामाइट शो पर ऑरेंज कैसिडी और डॉक्टर ब्रिट बेकर एक दूसरे के साथ आ चुके हैं और अब हमें इनकी रियल लाइफ पार्टनरशिप AEW कंपनी के टेलीविजन के ऊपर भी देखने को मिलने वाली है और प्रॉब्लम यहाँ पर काइल ओ'रायली और बॉयफिश और यंग बक्स भी साथ मिलकर काम करने के लिए मान चुके हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर AEW कंपनी के अंदर क्या क्या होता है और हमें एडम कोल की इस नई फैक्शन का AEW कंपनी के अंदर क्या रोल देखने को मिलता है। और गाइस, आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि डॉक्टर ब्रिट बेकर और एडम कोल के AEW कंपनी के टेलीविजन के ऊपर साथ आने के ऊपर आपका क्या कहना है। पर मैं ये देखकर काफी खुश और एक्साइटेड हूँ और मैं भी देखना चाहता हूँ कि आगे चलकर एडम कोल और डॉक्टर ब्रिट बेकर के बीच में क्या क्या होता है। पर गाइस, इसके बाद हमें वार्डलो के लिए खाई वीडियो देखने को मिला, जिसके बाद फाइनली इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर CM Punk एक वन ऑन वन मैच के अंदर वार्डलो को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस ये मैच स्टार्ट होते ही CM Punk वार्डलो के ऊपर अटैक करने के लिए गए, पर वार्डलो काफी तगड़े सुपरस्टार थे और CM Punk के अटैक का वार्डलो के ऊपर कुछ असर नहीं हो रहा था, इसलिए वार्डलो ने इस मैच के अंदर CM Punk के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया और वार्डलो ने इस मैच के अंदर काफी डोमिनेट भी किया। पर एक टाइम के लिए किस तरीके से अपना कमबैक कर CM Punk यहाँ पर वार्डलो गिराने के लिए कामयाब हो गए, पर CM Punk के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि CM Punk वार्डलो के ऊपर अपना फिनिशर लगाए और इसी का फायदा उठाकर वार्डलो ने यहाँ पर CM Punk के ऊपर पावर बॉम्ब्स लगाना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर वार्डलो ने CM Punk के ऊपर लगातार 5 पावर बॉम्ब्स लगाए, जिसके बाद CM Punk की हालत काफी खराब हो चुकी थी और यहाँ पर वार्डलो ने CM Punk को पिन किया, लेकिन MJF ने वार्डलो को रोक लिया और यहाँ पर MJF ने कहा कि MJF चाहते हैं कि वार्डलो CM Punk के ऊपर और भी ज्यादा पावर बॉम्ब्स लगाए, जिससे कि CM Punk इंजर्ड हो जाए और आगे चलकर MJF और CM Punk के बीच में मैच ना हो, जो बातें सुनकर वार्डलो थोड़े फार सरप्राइज थे। लेकिन यहाँ पर MJF की बातें मानकर वार्डलो ने CM Punk के ऊपर लगातार 2 पावर बॉम्ब्स लगाए, जिसके बाद CM Punk की इस मैच के अंदर हालत काफी खराब हो रही थी और ये देखकर CM Punk इनके बाहर गए और यहीं पर आकर MJF ने वार्डलो से कहा कि MJF चाहते हैं कि वार्डलो CM Punk के ऊपर टेबल के थ्रू एक पावर बॉम्ब लगाए और MJF के कहने के ऊपर वार्डलो ने CM Punk के ऊपर टेबल के थ्रू एक पावर बॉम्ब लगाया, पर जैसे तैसे करके रेफरी के 10 काउंट करने से पहले CM Punk रिंग के अंदर आ गए और यहाँ पर पूरा का पूरा क्राउड वार्डलो और CM Punk इन दोनों के लिए चीयर कर रहा था।
और यहाँ पर एमजीएफ चाहते थे कि वार्डलो सीएम पंक के ऊपर एक और पावर बम लगाए और वार्डलो की इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर सीएम पंक ने वार्डलो के ऊपर एक रोल अप पिन किया और इस रोल अप पिन के सहारे सीएम पंक ने मैच जीत लिया है, जो देखकर वार्डलो काफी नाराज थे और एमजीएफ रिंग के अंदर आकर वार्डलो के ऊपर चिल्लाने लगे कि वार्डलो हमेशा से अपने बड़े बड़े मैचेस हार जाते हैं और यहाँ पर वार्डलो एमजीएफ के ऊपर काफी गुस्सा थे और प्रॉब्ली यहाँ पर वार्डलो एमजीएफ के ऊपर अटैक कर ही देते, पर इतने में यहाँ पर शॉन स्पियर्स आ गए और यहाँ पर आकर शॉन स्पियर्स ने वार्डलो और एमजीएफ इन दोनों को ही शांत किया, पर वार्डलो यहाँ पर किसी भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे और इसलिए वार्डलो रिंग छोड़कर चले गए। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर वार्डलो और एमजीएफ के बीच में क्या होता है, पर गाइस कहना पड़ेगा कि किसी ना किसी तरीके से सीएम पंक ने अपना यह मैच जीत लिया है। पर गाइस इसके बाद इस वीक के डायनामाइट शो पर डांटे मार्टिन पावर ऑफ सॉब्स को फेस कर रहे थे और ये मैच स्टार्ट होने से पहले डांटे मार्टिन और पावर ऑफ सॉब्स इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जहां पर डांटे मार्टिन अपने हाई फ्लाइंग स्किल्स का इस्तेमाल कर पावर ऑफ सॉब्स के ऊपर अटैक कर रहे थे, पर पावर ऑफ सॉब्स ने भी डांटे मार्टिन के ऊपर रिंग के बाहर एक काफी खतरनाक स्पाइन बस्टर लगाया, जिससे कि पावर ऑफ सॉब्स इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर पाए और इसके बाद पावर ऑफ सॉब्स ने इस मैच के अंदर काफी देर तक डोमिनेट किया और हॉब्स इस मैच के अंदर काफी आसानी से डांटे मार्टिन को मैन हैंडल कर रहे थे, पर जब भी कभी पावर ऑफ सॉब्स डांटे मार्टिन को कवर करते तब डांटे मार्टिन किक आउट कर देते, जो देखकर पावर ऑफ सॉब्स काफी गुस्सा हो गए थे और इसी मैच के अंदर एक टाइम पर रेफरी की नजर बचाते हुए रिकी स्टार्स ने भी डांटे मार्टिन के ऊपर अटैक किया, पर जैसे तैसे करके डांटे मार्टिन ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर लिया और यहाँ पर डांटे मार्टिन पावर ऑफ सॉब्स के ऊपर अटैक कर ही रहे थे, पर इतने में रिकी स्टार्स फिर एक बार इस मैच के अंदर इंटरफेयर करने के लिए आ गए, पर इस बार रेफरी ने रिकी स्टार्स को देख लिया और यहाँ पर रिकी स्टार्स अपने आप को एक्सप्लेन कर ही रहे थे, लेकिन इतने में यहाँ पर जे लीथल आ गए और यहाँ पर आकर जे लीथल ने रिकी स्टार्स को नीचे खींच लिया और इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर डांटे मार्टिन ने पावर ऑफ सॉब्स के ऊपर अपना फिनिशर लगाया और यहाँ पर पावर ऑफ सॉब्स को पिन करके डांटे मार्टिन ने मैच जीत लिया है, जिसके ऊपर पावर ऑफ सॉब्स काफी गुस्सा थे, लेकिन यहाँ पर आकर जे लीथल ने डांटे मार्टिन की मदद की है। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर जे लीथल और डांटे मार्टिन के बीच में क्या होता है और हमें आगे डांटे मार्टिन और टीम टैक्स की रिवलरी के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। पर गाइस इसके बाद हमें एवली कंपनी के बैकस्टेज में एलेक्स मार्वेज क्रिस जेरिको और इनर सर्कल का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर बात करते हुए एलेक्स मार्वेज ने क्रिस जेरिको से पूछा कि हाल फिलहाल में क्रिस जेरिको और इनर सर्कल के साथ क्या चल रहा है और यहाँ पर बात करते हुए क्रिस जेरिको ने कहा कि इनर सर्कल एवली कंपनी की ग्रेटेस्ट फैक्शन है और ये बात इनर सर्कल ने बार बार प्रूव भी की है और इनर सर्कल का हर एक मेंबर अपने आप में ग्रेट सुपरस्टार है और ये बात सैमी गवेरेस भी प्रूव भी करने वाले है, जो बात यहाँ पर क्रिस जेरिको कर ही रहे थे, लेकिन इतने में यहाँ पर एडी किंगस्टन आ गए और यहाँ पर आकर बात करते हुए एडी किंगस्टन ने कहा कि क्रिस जेरिको कहते हैं कि इनर सर्कल का हर एक मेंबर काफी बढ़िया है, पर एडी किंगस्टन ने सैंटाना और ओटिस को बहुत पहले से देखा है और सैंटाना और ओटिस को देखकर एडी किंगस्टन बता सकते हैं कि सैंटाना और ओटिस एवली कंपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस होते, पर सैंटाना और ओटिस क्रिस जेरिको के साथ है, इसीलिए सैंटाना और ओटिस अब तक एवली कंपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस नहीं है, जो बात यहाँ पर एडी किंगस्टन ने कही। और यहाँ पर एडी किंगस्टन जवाब देते हुए क्रिस जेरिको ने कहा कि क्रिस जेरिको को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एडी किंगस्टन और सैंटाना और ओटिस ने इंडीज के अंदर क्या किया है, लेकिन अब एवली कंपनी अंदर सैंटाना और ओटिस क्रिस जेरिको के साथ है और इनर सर्कल एक फैमिली है, जो बातें करते हुए यहाँ पर एडी किंगस्टन और क्रिस जेरिको आपस में बहस कर रहे थे, पर इससे नाराज होकर सैंटाना और ओटिस और जेक हेगर ये तीनों ही यहाँ चले गए, जो देखकर क्रिस जेरिको काफी नाराज थे क्योंकि क्रिस जेरिको यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एडी किंगस्टन इनर सर्कल को क्रिस जेरिको के खिलाफ भड़का रहे हैं और इसलिए यहाँ पर एडी किंगस्टन से बात करते हुए क्रिस जेरिको ने कहा कि क्रिस जेरिको इस वीक सैमी गवेरा के मैच के दौरान सैमी गवेरा कॉर्नर के अंदर रहने वाले हैं क्योंकि क्रिस जेरिको सैमी गवेरा के लिए केयर करते हैं, लेकिन यहाँ पर एडी किंगस्टन ने कहा कि एडी किंगस्टन भी इस मैच के दौरान रिंगसाइड पर रहने वाले हैं, लेकिन सैमी गवेरा के लिए नहीं बल्कि डेनियल गार्सिया के लिए, क्योंकि अभी डेनियल गार्सिया और एडी किंगस्टन के बीच में कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस है, जो बात यहाँ पर एडी किंगस्टन ने कही और क्रिस जेरिको यहाँ चले गए और इसी सेगमेंट खत्म हुआ। पर इसके बाद एमजीएफ इस वीक के डायनामाइट शो पर आ गए, जो कि वार्डलो की हार से काफी नाराज थे और यहाँ पर आकर बात करते हुए एमजीएफ ने कहा कि बहुत हुआ और अब नहीं, क्योंकि अब एमजीएफ वेट नहीं कर सकते और अब एमजीएफ सभी फैंस को वो मैच देने वाले हैं जो मैच फैंस काफी दिनों से डिमांड कर रहे हैं, जो कि सीएम पंक वर्सेस शॉन स्पियर्स। जो बातें कहकर यहाँ पर एमजीएफ ने एक तरीके से सभी का काट दिया, क्योंकि सब लोगों को लग रहा था कि प्रॉब्लम में काफी जल्दी सीएम पंक और एमजीएफ के बीच में एक मैच देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर एमजीएफ ने कहा कि एमजीएफ चाहते हैं कि शॉन स्पियर्स और एमजीएफ के बीच में एक मैच हो जाए। तो देखना पड़ेगा कि अब ये मैच कब होता है और हमें ये मैच कितना बढ़िया मैच देखने को मिलता है और क्या वार्डलो के साथ हुए मैच के बाद सीएम पंक इस मैच के लिए 100% रह पाते या नहीं। पर गाइस इसके बाद हमने देखा कि एवली कंपनी के बैकस्टेज में यंग बक्स एडम कोल बॉफिश और कायल ओ'रीली ये सभी मिलकर बात करते हुए कह रहे थे कि अब ये सभी साथ आ चुके हैं और अब आगे चलकर ये सभी एवली कंपनी को टेक ओवर करने वाले हैं, लेकिन इतने में यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर आ गई और यहाँ पर आकर बात करते हुए डॉक्टर ब्रिट बेकर ने कहा कि डॉक्टर ब्रिट बेकर ने टोनी खान से बात कर ली है और डॉक्टर ब्रिट बेकर चाहते हैं कि नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो पर एडम कोल और डॉक्टर ब्रिट बेकर और ऑरेंज कैसिडी और क्रिस स्टैटलैंडर के बीच में एक मिक्स्ड जेंडर टैग टीम मैच हो जाए, जो चैलेंज यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर ने थ्रो कर दिया है। तो देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट वीक क्या होता है। पर गाइस सच में फैक्शन देखने के लिए मुझे भी काफी मजा आ रहा है। पर इसके बाद हमने देखा कि डायमंड शो पर एवली कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन यानी कि हैंगमैन एडम पेज आ गए और यहाँ पर बात करते हुए हैंगमैन एडम पेज कह रहे थे कि पिछले एक महीने के अंदर हैंगमैन एडम पेज ने वर्ल्ड के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेसलर के साथ रिंग के अंदर करीब करीब 90 मिनट्स बिताए हैं, जो देखा जाए तो हैंगमैन पेज के लिए काफी प्राउड की बात है, लेकिन यहाँ पर हैंगमैन पेज जाना चाहते हैं कि हैंगमैन पेज का नया चैलेंजर कौन है, जो बात यहाँ पर हैंगमैन पेज कर ही रहे थे, लेकिन इतने में यहाँ पर डैन लैम्बर्ट आ गए और डैन लैम्बर्ट को यहाँ पर आता हुआ देख एडम हैंगमैन पेज ने कहा कि अगर स्कॉर्पियो स्काई और इथन पेज एवली कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच चाहते हैं तो स्कॉर्पियो स्काई और इथन पेज खुद सामने से अगर हैंगमैन पेज से मैच मांग सकते हैं, क्योंकि हैंगमैन पेज नहीं चाहते कि डैन लैम्बर्ट बार बार हैंगमैन पेज के सामने आए, जिसका जवाब देते हुए डैन लैम्बर्ट ने कहा कि स्कॉर्पियो स्काई और इथन पेज को एवली कंपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच चाहिए, लेकिन यहाँ पर डैन लैम्बर्ट उसके बारे में बात करने के लिए नहीं आए, बल्कि यहाँ पर डैन लैम्बर्ट हैंगमैन पेज को ये बताने के लिए आए कि डैन लैम्बर्ट हैंगमैन पेज काफी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि जैसे कोडी रोड्स ने बैकस्टेज पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करके टीएनटी चैंपियनशिप जीती है वैसे हैंगमैन पेज ने नहीं किया और हैंगमैन पेज ने खुद एवली वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप अर्न की है,
और हैंगमैन पेज ओरिजिनल है, इसलिए डैन लैम्बर्ट हैंगमैन पेज की रिस्पेक्ट करते हैं। पर हैंगमैन पेज को लेकर जो बात ओरिजिनल नहीं है वो ये है कि हैंगमैन पेज एक काउबॉय है, क्योंकि आज के पहले भी रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर काफी सारे काउबॉयज हो चुके हैं जो कि हैंगमैन पेज से काफी बढ़िया थे। और यहाँ पर डैन लैम्बर्ट चाहते हैं कि पिछले काउबॉय की रिस्पेक्ट करने के लिए हैंगमैन पेज अपने आप को काउबॉय कहना बंद करे, जो बात यहाँ पर डैन लैम्बर्ट कर ही रहे थे। लेकिन इतने में यहाँ पर लांस आर्चर आ गए, जिन्हें देखकर डैन लैम्बर्ट काफी घबरा गए। क्योंकि गाइस अगर आपको याद नहीं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके पहले जब लांस आर्चर और डैन लैम्बर्ट एक दूसरे के आमने सामने आए थे, तब लांस आर्चर ने डैन लैम्बर्ट के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया था, यानी कि लांस आर्चर डैन लैम्बर्ट को पसंद नहीं करते और इसलिए यहाँ पर लांस आर्चर डैन लैम्बर्ट के ऊपर अटैक करने के लिए आए थे। पर डैन लैम्बर्ट ने लांस आर्चर से कहा कि एवल्यू कंपनी का वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन अकेला रिंग के अंदर है और लांस आर्चर को ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा, इसलिए लांस आर्चर को हैंगमैन पेज के ऊपर अटैक करना चाहिए, जो बात यहाँ पर डैन लैम्बर्ट ने कही। और सच में यहाँ पर डैन लैम्बर्ट की बातें मानकर लांस आर्चर ने हैंगमैन पेज के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और लांस आर्चर ने रिंग के अंदर एक स्टील चेयर लगाकर हैंगमैन पेज के ऊपर स्टील चेयर थ्रू अपना फिनिशर भी लगाया, जो देखा जाए तो इस वीक के डायनामाइट शो पर लांस आर्चर का एक बहुत ही बड़ा रिटर्न था। और डायनामाइट शो पर अपना रिटर्न करते ही लांस आर्चर ने एवल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन के ऊपर अटैक कर दिया है। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर लांस आर्चर और एवल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन यानी कि हैंगमैन एडम पेज के बीच में क्या क्या होता है। पर गाइस मैं तो ये राइवलरी देखने के लिए एक्साइटेड हूँ और आप भी मुझे कमेंट करके बताइए कि लांस आर्चर की रिटर्न के ऊपर आपका क्या कहना है। पर गाइस इसके बाद हमने देखा कि एवल्यू कंपनी के बैकस्टेज में टोनी शिवानी आर्न एंडरसन का इंटरव्यू ले रहे थे और यहाँ पर बात करते हुए टोनी शिवानी ने आर्न एंडरसन से पूछा कि आर्न एंडरसन का अपने बेटे यानी कि ब्रॉक एंडरसन के बारे में क्या कहना है। और यहाँ पर आर्न एंडरसन कह रहे थे कि उनका बेटा टैग टीम के अंदर काफी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। लेकिन इतने में यहाँ पर आर्न एंडरसन के फॉर्मर टैग टीम पार्टनर यानी कि टेली ब्लैंचर्ड आ गए, जिनके साथ एफटीआर भी थी। और यहाँ पर आकर बात करते हुए टेली ब्लैंचर्ड ने कहा कि अगर आर्न एंडरसन को बहुत ही बढ़िया टैग टीम देखनी है तो फिर आर्न एंडरसन को एफटीआर की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि एफटीआर एक बहुत ही बढ़िया टैग टीम है और आर्न एंडरसन को अपने बेटे को छोड़कर एफटीआर की तरफ आना चाहिए, जो बात यहाँ पर टेली ब्लैंचर्ड ने कही। जिस पर आर्न एंडरसन ने कहा कि एंडरसन अपने बेटे को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, जिस पर एफटीआर ने कहा कि एफटीआर जितना एंडरसन नाम की वैल्यू बढ़ाएगी उतनी वैल्यू शायद ही ब्रॉक एंडरसन बढ़ा पाएगा, इसलिए यहाँ पर एफटीआर ने ब्रॉक एंडरसन और ली जॉन्स को एक टैग टीम मैच के लिए चैलेंज कर दिया है। तो देखना पड़ेगा कि टैग टीम मैच कब होता है और ये टैग टीम मैच कितना बढ़िया होता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर जेट कारगिल के लिए हाइप वीडियो देखने को मिला, जहां पर हमें दिखाया गया कि कैसे जेट कारगिल बनी फर्स्ट एवर टीबीएस वुमेन चैंपियन, जिसके बाद हिकारु शिडा इस वीक डायनामाइट शो पर सेरेना डेप के खिलाफ ही अपने मैच के लिए आ रही थी। पर हिकारु शिडा के एंट्रेंस के दौरान ही सेरेना डेप ने हिकारु शिडा के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और हिकारु शिडा की नीकी ऊपर अटैक कर सेरेना डेप रिंग के अंदर गई, जिसके बाद हिकारु शिडा जैसे तैसे करके रिंग के अंदर आई और फाइनली मैच स्टार्ट हुआ। और गाइस मैच स्टार्ट होते ही सेरेना डेप ने यहाँ पर हिकारु शिडा के पैरों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पर हिकारु शिडा किसी भी तरीके से अपने आप को नहीं बचा पा रही थी और यहाँ पर हिकारु शिडा के ऊपर काफी ब्रूटली अटैक कर सेरेना डेप ने हिकारु शिडा के ऊपर अपना फिनिशर लगाया। पर फिर भी यहाँ पर हिकारु शिडा टैप आउट नहीं कर रही थी, पर हिकारु शिडा की हालत काफी खराब हो रही थी, ये देखकर रेफरी ने यहाँ पर मैच रोक दिया और ये मैच शुरू होने के 5 मिनट के अंदर अंदर ही रेफरी ने यहाँ पर सेरेना डेप को इस मैच का विनर कह दिया, जिस रिजल्ट से हिकारु शिडा काफी गुस्सा थी और यहाँ पर हिकारु शिडा रेफरी के ऊपर चिल्ला रही थी। लेकिन इतने में सेरेना डेप एक कैंडोस्टिक लेकर रिंग के अंदर आ गई और यहाँ पर आकर सेरेना डेप ने उस कैंडोस्टिक से हिकारु शिडा के पैरों के ऊपर अटैक किया, जिसके बाद कई सारे रेफरीज ने यहाँ पर आकर सेरेना डेप को रोक लिया। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर सेरेना डेप और हिकारु शिडा के बीच में क्या होता है। पर यहाँ पर कहना पड़ेगा कि सेरेना डेप ने बिल्कुल वैसा ही किया है जैसा कि सेरेना डेप ने कहा था कि वो हिकारु शिडा की लाइफ लिविंग हेल बनाने वाली है। पर इसके बाद हमें टोनी शिवानी बैकस्टेज में जुरासी एक्सप्रेस का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी और यहाँ पर बात करते हुए टोनी शिवानी ने पूछा जुरासी एक्सप्रेस के लिए आगे क्या होने वाला है। और यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए जंगल बॉय ने कहा कि जंगल बॉय चाहते हैं कि एवल्यू कंपनी के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स में से कोई भी टैग टीम आकर जुरासी एक्सप्रेस को उनकी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए चैलेंज करे। और जंगल बॉय को ऐसे कहते यहाँ पर डार्क ऑर्डर आ गई और यहाँ पर आकर डार्क ऑर्डर ने जुरासी एक्सप्रेस को एक टैग टीम मैच के लिए चैलेंज किया है, जो चैलेंज जुरासी एक्सप्रेस ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। तो देखना पड़ेगा कि ये मैच कब होता है और ये मैच कितना बढ़िया मैच होता है। पर इसके बाद हमें डायमंड शो पर मैट हार्डी एक प्रोमो कट करते हुए दिखाई दिए, क्योंकि इस वीक का डायमंड शो मैट हार्डी के होम टाउन के अंदर था और इसलिए यहाँ पर बात करते हुए मैट हार्डी ने कहा कि माना कि लुचा ब्रोस ने लास्ट वीक के डायमंड शो पर अपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप हारे है, लेकिन लुचा ब्रोस का असली डाउनफॉल एक महीने पहले ही शुरू हुआ था, जहां पर मैट हार्डी ने लुचा ब्रोस को हराया था और यहाँ पर पेंटाइल जीरियम को हराकर मैट हार्डी पेंटागोन के भाई यानी कि रे फिनिक्स के पास हॉस्पिटल के अंदर पहुंचाने वाले है, जो बात यहाँ पर मैट हार्डी ने कही। जिसके बाद इस वीक के डायमंड शो पर होम टाउन हीरो मैट हार्डी और लुचा ब्रोस के वन हाफ यानी कि पेंटाइल जीरियम के बीच में एक मैच स्टार्ट हुआ। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस ये मैच इस वीक के डायमंड शो पर एक ठीक ठाक मैच था, क्योंकि पहली बात तो इस मैच के लिए कोई बैक स्टोरी नहीं थी और प्रॉब्ली ये मैच इस वीक के डायमंड शो पर इसलिए था क्योंकि मैट हार्डी को होम टाउन था और मैट हार्डी को करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए हम इस वीक के डायमंड शो पर मैट हार्डी और पेंटाइल जूरियम के बीच में एक मैच देखने को मिला, जो मैच देखा जाए तो एक ठीक ठाक मैच था और मैट हार्डी की फैमिली भी रिंग साइड पर खड़े होकर मैच देख रही थी। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइस एक ठीक ठाक मैच के बाद फाइनली यहाँ पर मैट हार्डी पेंटाइल जूरियम के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रहे थे, लेकिन पेंटा ने इसे रिवर्स कर दिया और मैट हार्डी एक काफी बड़ी रिस्क लेकर पेंटा के ऊपर टॉप रोप से एक मूनशॉट लगाने के लिए गए, पर पेंटा साइड में हट गए और यहाँ पर पेंटा ने मैट हार्डी के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि पैकेज पाइल ड्राइवर लगाया और सरप्राइजिंगली यहाँ पर मैट हार्डी के होम टाउन के अंदर मैट हार्डी को पिन कर पेंटाइल जूरियम ने मैच जीत लिया है, जो देखा जाए तो काफी सरप्राइजिंग चीज थी, क्योंकि गाइस मोस्टली किसी भी सुपरस्टार के होम टाउन के अंदर वही सुपरस्टार वो मैच जीतता है और यहाँ पर मैट हार्डी के बजाय पेंटाइल जूरियम ने मैच जीत लिया है। पर गाइस ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर पेंटाइल जूरियम कुछ कह रहे थे, लेकिन इतने में यहाँ पर सभी लाइट्स ऑफ हो गई और लाइट्स वापस आने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर मैलिका ब्लैक खड़े थे और यहाँ पर आकर मैलिका ब्लैक ने पेंटाइल जूरियम के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और अटैक देखकर यहाँ पर ग्रिफ गैरिसन और
ब्रायन पिलमैन जूनियर आ गए, जिसके बाद ग्रिफ वैरिसन, ब्रायन पिलमैन जूनियर और पेंटाइल जोरियम, इन तीनों ने मिलकर मैलेकाई ब्लैक के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। पर जूलिया हार्ट मैलेकाई ब्लैक से काफी डरी हुई थी, इसलिए यहाँ पर जूलिया हार्ट ने ग्रिफ वैरिसन और ब्रायन पिलमैन जूनियर को मैलेकाई ब्लैक के ऊपर अटैक करने से रोक लिया। और पता नहीं यहाँ पर जूलिया हार्ट ने मैलेकाई ब्लैक को डरकर ग्रिफ वैरिसन और ब्रायन पिलमैन जूनियर को रोका, या फिर मैलेकाई ब्लैक ने जो जूलिया हार्ट के आंखों के अंदर मिस फेंका था उसके असर से यहाँ पर मैलेकाई ब्लैक की मदद करने के लिए जूलिया हार्ट ने रोका। पर देखकर यहाँ पर मैलेकाई ब्लैक हंसने लगे, जो देखकर सभी लोग सरप्राइज थे। प्रीतने में यहाँ पर सभी लाइट्स ऑफ हो गई और लाइट्स वापस आने के बाद हमने देखा कि मैलेकाई ब्लैक के फॉर्मर टैग टीम पार्टनर यानी कि ब्रॉडी किंग रिंग के अंदर खड़े थे। और यहाँ पर आकर ब्रॉडी किंग ने ग्रिफ गैरिसन, ब्रायन पिलमैन जूनियर और पेंटाइल जोरियम को अटैक कर दिया। और फाइनली रिंग के अंदर किंग्स ऑफ द डार्क थ्रोन यानी कि ब्रॉडी किंग और मैलेकाई ब्लैक खड़े रहे, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि फाइनली एवल्यू कंपनी अंदर मैलेकाई ब्लैक के हाउस ऑफ ब्लैक का फर्स्ट मेंबर यानी कि ब्रॉडी किंग आ चुके हैं। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर एवल्यू कंपनी अंदर ब्रॉडी किंग और मैलेकाई ब्लैक के बीच में क्या क्या होता है और इस सबके बीच में जूलिया हार्ट क्या करती है। पर गाइस इसके बाद हमें डायमंड शो पर टोनी शिवानी, क्रिस स्टैटलैंडर, रेड वेलवेट और लिजिट लेनहर्स का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए। और यहाँ पर टोनी शिवानी ने क्रिस स्टैटलैंडर से पूछा कि इस वीक रैम्पेज शो पर क्रिस स्टैटलैंडर का एक सिक्स वुमेन टैग टीम मैच है और नेक्स्ट वीक एक मिक्स्ड जेंडर टैग टीम मैच है, तो इस सब के ऊपर क्रिस स्टैटलैंडर का क्या कहना है। और यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए क्रिस स्टैटलैंडर ने कहा कि क्रिस स्टैटलैंडर अपने नेक्स्ट वीक के मैच पर फोकस कर रहे हैं, जो बातें सुनकर लेला हैरिस काफी गुस्सा हो गई। और यहाँ पर बात करते हुए लेला हैरिस ने कहा कि क्रिस स्टैटलैंडर अपने पहले मैच यानी कि अपने दोस्तों के मैच के बारे में सोचने के बजाय अपने मिक्स्ड जेंडर टैग टीम मैच के बारे में सोच रही है, जो दिखाता है कि क्रिस स्टैटलैंडर कितनी सेल्फिश है, जो बात यहाँ पर लेला हैरिस ने कही। पर यहाँ पर जवाब देते हुए क्रिस स्टैटलैंडर ने कहा कि आज तक उनके जितने भी सिक्स वुमेन टैग टीम मैचेस हुए हैं उन सभी मैचेस के अंदर लेला हैरिस ने सेल्फिश तरीके से रसल किया है, और सेल्फिश तरीके से लेला हैरिस ने अपनी टीम के लिए पिन लिया है, इसलिए सबको पता है कि सेल्फिश कौन है। और क्रिस स्टैटलैंडर दो दो मैचेस का प्रेशर संभाल सकती है, जो बात यहाँ पर क्रिस स्टैटलैंडर ने कही। पर यहाँ पर इन दोनों ही सुपरस्टार्स को शांत करते हुए रेड वेलवेट ने कहा कि रैम्पेज शो पर होने वाला उनका सिक्स वुमेन टैग टीम मैच जीतने के लिए लेला हैरिस और क्रिस स्टैटलैंडर ये दोनों ही सेम पेज के ऊपर आए, जो बात यहाँ पर रेड वेलवेट ने कही, जिससे कि रेड वेलवेट ने इन दोनों को यहाँ पर शांत किया। लेकिन देखना पड़ेगा कि आगे चलकर इन तीनों के बीच में क्या क्या होता है, क्योंकि अभी से हमें इन तीनों के बीच में डिसएग्रीमेंट देखने को मिल रहे हैं। पर गाइज इसके बाद इस वीक डायमंड शो पर बियर कंट्री एक टैग टीम मैच के अंदर द क्लेम को फेस कर रही थी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज ये मैच स्टार्ट होती है बियर कंट्री ने इस मैच के अंदर डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया, और आधे से ज्यादा मैच के अंदर डोमिनेट करने के बाद बियर कंट्री यहाँ पर द क्लेम के ऊपर अपना फिनिश लगाने के लिए जा रही थी। पर लास्ट मोमेंट के ऊपर द क्लेम ने बियर कंट्री का फिनिश रिवर्स कर दिया, और इसके बाद हमें इन दोनों टैग टीम्स के बीच में एक एवरेज मैच देखने को मिला है, जो मैच उतना भी बढ़िया मैच नहीं था। पर एक ठीक ठाक मैच के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइज फाइनली बियर कंट्री वन ऑफ को रिंग के बाहर फेंक कर यहाँ पर मैक्स कैस्टर ने बियर कंट्री के ऑर्डर ऑफ के ऊपर अपना फिनिश लगाया, और यहाँ पर बियर बॉक्सिंग को पिन कर मैक्स कैस्टर ने अपनी टीम के लिए मैच जीत लिया है, जो देखा जाए तो एक नॉर्मल टैग टीम मैच था। और ये मैच जीतने की खुशी सेलिब्रेट करते हुए दक्लेम यहाँ जा रही थी, पर इतने में यहाँ पर स्टिंग का थीम म्यूजिक बजा और स्टिंग यहाँ पर आ गए, जो देखकर दक्लेम रिंग की तरफ जाने लगी। पर डार्बी आले ने पीछे से आकर दक्लेम के ऊपर अटैक किया और स्टिंग ने रैंपर से ऊपर आकर दक्लेम के ऊपर अटैक किया, और मैक्स कैस्टर को रिंग के अंदर ले जाकर स्टिंग ने मैक्स कैस्टर के ऊपर अपना फिनिशर भी लगाया, जिससे यहाँ पर स्टिंग और डार्बी आले ने क्लियर कर दिया है कि स्टिंग और डार्बी आले नहीं चाहते कि दक्लेम स्टिंग और डार्बी आले के रास्ते के अंदर आए। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर दक्लेम और स्टिंग और डार्बी आले के बीच में क्या होता है। पर गाइज इसके बाद हमें डायमंड शो पर बास्केट पार्क के लिए हाइप वीडियो देखने को मिला, जहां पर हम देख सकते थे कि मैलेकाई ब्लैक के पाक के आंखों के अंदर ब्लैकनेस फेंकने के बाद पाक ने यहाँ पर अपनी दोनों आंखें बंद कर लिए है। और यहाँ पर बात करते हुए पाक कह रहे थे कि पाक आज तक अंधेरे के अंदर जी रहे थे, लेकिन अब पाक को रोशनी दिखने लगी है और अब पाक वही करने वाले है जो पाक को काफी पहले करना चाहिए था, जो बात यहाँ पर पाक ने कही, जिससे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि गाइस मैलेकाई ब्लैक ने जिन जिन सुपरस्टार्स के आंखों के अंदर ब्लैकनेस फेंका है वो सभी सुपरस्टार्स किसी न किसी तरीके से स्टोरी लाइन के अंदर मैलेकाई ब्लैक को फॉलो कर रहे हैं। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर पाक के साथ क्या होता है। लेकिन इसके बाद एवली ने अगले डायमंड शो और अगले रैम्पेज शो के लिए कुछ मैचेस एडवर्टाइज किए, जो मैचेस कौन से जानने के लिए ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल के एप्लीकेशन के अंदर जाकर ये आर्टिकल पढ़ना मत भूलना। लेकिन अगर आप हमारे चैनल के एप्लीकेशन के अंदर जा रहे हैं तो ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये वीडियो देखकर हमारे चैनल के एप्लीकेशन भी डाउनलोड करना मत भूलना, क्योंकि एवल्यू कंपनी के हर एक न्यूज रूमर और अपडेट हमारे चैनल के ऊपर वीडियो आने से पहले आपको हमारे चैनल के एप्लीकेशन के ऊपर पता चलती है। इसलिए ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये वीडियो देखकर हमारे चैनल के एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। और हाँ, अगर आप इंडिया के अंदर एवल्यू सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारी ये दूसरी वीडियो देखकर इंडिया के अंदर एवल्यू सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीद सकते हैं। पर गाइस ये वीडियोस काफी पुराने हैं, इसलिए अगर आपको इस वीडियो के अंदर मेरी बात करने का तरीका थोड़ा सा अजीब लगता है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि तब मेरे पास यूट्यूब के ऊपर उतना एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन गाइस जहां तक बात इस वीक की डायमंड शो की, तो गाइस इसके बाद हमने डायमंड शो पर देखा कि बैकस्टेज में मैट हार्डी का एक इंटरव्यू चल रहा था, लेकिन मैट हार्डी अपना मैच हार चुके हैं, इसलिए यहां पर मैट हार्डी काफी गुस्सा थे। और यहां पर बात करते हुए मैट हार्डी कह रहे थे कि आज तक मैट हार्डी देख रहे थे कि मैट हार्डी की टीम के लिए कौन सी चीज बेस्ट हो सकती है, लेकिन अब मैट हार्डी अपने आप को देखना स्टार्ट करने वाले हैं और मैट हार्डी ये देखने वाले हैं कि कौन सी चीज मैट हार्डी के लिए बेस्ट है, जो बात यहां पर मैट हार्डी कह रहे थे। लेकिन इतने में यहां पर अंद्रादे इडोलो आ गए, और यहां पर अगर बात करती हूँ अंद्रादे इडोलो ने कहा कि अंद्रादे के पास मैट हार्डी के लिए एक ऑफर है, जो ऑफर प्रॉब्ली मैट हार्डी का करियर बदल देगी, पर ये ऑफर सुनने के लिए मैट हार्डी और अंद्रादे को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, जो बात यहाँ पर अंद्रादे ने कही। और मैट हार्डी ने भी कहा कि मैट हार्डी अंद्रादे को ऑफर सुनने के लिए रेडी है, पर मैट हार्डी नहीं चाहते कि अंद्रादे ऑफर टीवी के ऊपर बताए, इसलिए मैट हार्डी अंद्रादे को यहाँ से ले गई और मैट हार्डी ने प्राइवेट पार्टी को भी पीछे छोड़ दिया। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर मैट हार्डी के साथ क्या होता है और क्या मैट हार्डी अपने आप के लिए प्राइवेट पार्टी को पीछे छोड़ती है या नहीं।
पर गाइज इस सब की बात फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था इस वीक के डायमंड शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर इंटीरियम टीएनटी चैंपियन सैमी गवेरा अपनी इंटीरियम टीएनटी चैंपियनशिप डेनियल गार्सिया के अगेंस्ट डिफेंड कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज ये मैच स्टार्ट होती सैमी गवेरा और डेनियल गार्सिया इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर काफी ब्रूटल अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और इस मैच के लिए सैमी गवेरा की तरफ से क्रिस जेरिको रिंगसाइड पर थे, पर डेनियल गार्सिया इस मैच के अंदर कोई चीटिंग ना करे इसलिए डेनियल गार्सिया के ऊपर नजर रखने के लिए एडी किंगस्टन भी रिंगसाइड पर थे, जिससे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर एडी किंगस्टन और डेनियल गार्सिया इन दोनों का मकसद एक ही है, लेकिन ये दोनों ही सुपरस्टार साथ मिलकर काम करने के लिए रेडी नहीं है। पर जहां तक बात है इस मैच की, तो गाइस जैसा कि मैंने आपसे कहा था वैसे ही हमें इस मैच के अंदर सैमी गवेरा की तरफ से काफी सारे हाई फ्लाइंग मूव्स देखने को मिले हैं, लेकिन जहां तक बात है डेनियल गार्सिया की, तो डेनियल गार्सिया ने इस मैच के अंदर अपने काफी हार्ड हिटिंग मूव्स लगाए हैं और अपनी इन मूव्स के सहारे डेनियल गार्सिया काफी बार ये मैच जीतने काफी करीब पहुंच चुके थे। पर एक बहुत ही बढ़िया मैच के बाद अगर यहां पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइस फाइनली इस मैच के आखिर में सैमी गवेरा और डेनियल गार्सिया दोनों ही रिंग के अंदर नीचे पड़े हुए थे और इतने में यहाँ पर 2.0 आ गई, जिन्होंने पहले एडी किंगस्टन के ऊपर अटैक किया और बाद में क्रिस जेरिको के ऊपर, और आगे चलकर 2.0 सैमी गवेरा डिस्चार्ज कर रही थी, लेकिन सैमी गवेरा ने 2.0 के ऊपर अटैक कर एक टाइम के लिए डेनियल गार्सिया को 2.0 के ऊपर फेंक दिया और फाइनली डेनियल गार्सिया के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि जीटीएच लगाकर यहाँ पर डेनियल गार्सिया को पिन कर सैमी गवेरा ने मैच जीत लिया है। और गाइस सैमी गवेरा स्टिल ही इंटीरियम टीएनटी चैंपियन, और सैमी गवेरा के मैच जीतने के बाद डेविड क्रॉकेट ने सैमी गवेरा को इंटीरियम टीएनटी चैंपियनशिप हैंडओवर की, पर इतने में यहाँ पर 2.0 ने सैमी गवेरा के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो अटैक देकर क्रिस जेरिको एडी किंगस्टन दोनों ही रिंग के अंदर आ गए। और यहाँ पर आकर क्रिस जेरिको ने अपने फ्लॉयड बैट से 2.2 के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जबकि एडी किंगस्टन अपने हाथों से 2.2 के ऊपर अटैक कर रहे थे, पर एडी किंगस्टन की बातें ना मानकर क्रिस जेरिको ने अपने फ्लॉयड बैट से 2.2 के ऊपर अटैक किया, जो देखकर एडी किंगस्टन काफी गुस्सा थे। और यहाँ पर एडी किंगस्टन क्रिस जेरिको से कह रहे थे कि एडी किंगस्टन 2.2 के ऊपर अटैक करने वाले थे, तो क्रिस जेरिको बीच बीच में क्यों आ रहे हैं। जिस बीच हमें फिर एक बार यहाँ पर एडी किंगस्टन और क्रिस जेरिको इनके बीच में दोबारा से एक बहस शुरू होती हुई दिखाई दी, लेकिन फिर एक बार यहाँ पर रेफरीज ने बीच में आकर इन दोनों ही सुपरस्टार्स को रोक लिया। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में क्या होता है और क्या हमें काफी जल्दी दोनों सुपरस्टार्स एक दूसरे ऊपर अटैक करते हुए दिखाई देते हैं या नहीं। पर ऐसे इस वीक का डायमंड शो ऑफिस चला गया, जिस डायमंड शो पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। तो गाइज मुझे तो इस वीक का डायमंड शो बहुत ज्यादा पसंद आया है, क्योंकि गाइज इस वीक का डायमंड शो एक बहुत ही बड़ा डायमंड शो था और हमें इस वीक के डायमंड शो पर बहुत सारी चीजें देखने को मिली है, इसलिए मुझे तो इस वीक का डायमंड शो बहुत ज्यादा पसंद आया है। और आप भी ऐसे ही एवली कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और एवली कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?